जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप लोगों को यह पता है कि यह जो चावल का एक दाना तैयार होता है, इसे तैयार होने में कितना समय लगता है? जी हाँ, यह दाना जब तैयार होता है तो इसमें 135 दिन तक इस धान के खेत में एक एक बूंद किसान का पसीना जाके उसकी जड़ में मिलता है, तब जाके यह धान का दाना तैयार होता है जिसे चावल कहा जाता है। जब यह चावल तैयार होता है तो जो इसको खाता है, खाने के बाद वह कहा जाता है कि अन्नदाता सुखी भव, यानी अन्नदाता को यह कहा जाता है कि अन्नदाता सुखी भव। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वह मरने पर मजबूर है, वह घुट घुट के मर रहा है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग टीवी के बिना जिंदा रह सकते हैं, सेलफोन के बिना जिंदा रह सकते हैं, एसी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बगैर जिंदा रह सकते हैं, 5-स्टार होटलों में जाने नहीं जाएंगे तब भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना अन्न के और बिना भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज किसान की क्या स्थिति है? आज किसान की किसी से स्थिति छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी को करोड़ों का लोन और 30% 40% सब्सिडी, शराब बनाने वाली फैक्ट्री को करोड़ों का लोन, एसी बनाने वाली फैक्ट्री को करोड़ों का लोन, लेकिन हमारे देश के किसान को क्या मिल रहा है? आज हमारे देश के किसान की वह माली हालत है कि किसान जो 135 दिन तक अपने खेत में अपने पसीने से धान की जड़ को सींचने का काम करता है, उसके बदले में उसे मिलता क्या है? केवल मौत। मौत इसलिए मिलती है कि वह अपने बच्चों की इच्छाओं को दमन करता है। जहां इन व्यापारियों के बच्चे हार्वर्ड स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का काम करते हैं, वहां किसान का बच्चा प्राइमरी स्कूलों में जाके शिक्षा लेने का काम करता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपने बच्चे को अगर वो कपड़ा लाता है, बच्चों को कॉपी खरीदता है, किताब खरीदता है, तो वह अपना निवाला बेचने का काम करता है, अपना निवाला बेच करके फिर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। आज कहा जाता है कि हमारे देश का किसान कर्जदार क्यों है? क्योंकि किसान निकम्मा है। यह मैं नहीं कहता हूं, जो आज सरकारें चल रही है, अगर सरकारों से सवाल पूछने वाले लोग जब सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि किसान निकम्मा है। कोई कहता है हमारे यहाँ के किसान तो मशरूम बेचते हैं, वो अमीर हैं। लेकिन मैं उनसे यह बताना चाहता हूँ कि किसान निकम्मा नहीं होता। किसान लगातार 135 दिन तक अपने खून और पसीने की मेहनत लगाता है जब इस धान के खेत में, उसके बच्चे जो स्कूल जाने का समय होता है वह अपने बच्चे लगा देता है खेतों में काम करने के लिए। जब आपके बच्चे हार्वर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं तो उसका बच्चा खेत में काम करता है, किसान खुद खेत में काम करता है। लेकिन स्थिति देखिए कि आज हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी के लोग करोड़ों का लोन लेके विदेश भाग जाते हैं, वो चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, और वहां जाकर के वो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं। लेकिन 10,000 रुपए 20,000 रुपए का लोन लेने वाला हमारे देश का किसान अपने खेतों में जहर पी के मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनकी संपत्तियों को नीलाम करने की हैसियत सरकारों को नहीं है। लेकिन अगर किसान 20,000 का कर्ज लेता है तो उसकी जमीन को नीलाम करने की हैसियत इन बैंक मैनेजरों के पास होती है, जो ये निठल्ले लोग जब किसान कभी जब लोन लेने के लिए इनके पास चक्कर लगाने जाता है तो ये उससे कहते हैं कि जब तक तुम 10,000 और 5,000 का कमीशन नहीं दोगे तब तक हम तुमको लोन नहीं देंगे। लेकिन वह किसान पहुंचते ही अपनी पगड़ी उतारता है और इनके पैरों में रख देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लोन देने का काम नहीं करते जब तक इनको कमीशन नहीं मिल जाता। यही हमारा देश का किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है कि अन्नदाता सुखी भव, उसकी स्थिति यह है कि जब कभी वह डीएम के कार्यालय में, एसडीएम के कार्यालय में और थाने में अपनी फरियाद लेके जाता है, अपनी पीड़ा सुनाने जाता है, अपनी पगड़ी उठा के उतार के जब उनके चरणों में रखता है तो उसको उस तरीके से लोग भगाते हैं जैसे कि कोई लोग कुत्ते को भगाता है। लेकिन मैं मानता कि किसान देवता तो तब होता जब उसको उस तरीके का सम्मान मिलता, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है। उसको सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज हमारे देश का जो किसान है वो
वह एक तरीके से अगर देखा जाए तो वह कच्चा माल उत्पादक बना बैठा है। आज चिप्स बनाने चिप्स की फैक्ट्री लगाने वाले लोग 5-स्टार होटल में बैठ के ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनको जो है यही सरकारें बड़े बड़े लोन देने का काम कर रही है, लेकिन हमारे किसान घुट घुट के मरने पर मजबूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिसको आप अन्नदाता कहते हो उस अन्नदाता की हालत यह है कि हर जिले का कम से कम 5 लाख किसान शहरों में मजदूरी करने के लिए जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चौकीदारी कर रहा है। जिसको तुम भगवान कहते हो, अन्नदाता कहते हो, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसका बेटा जाके प्राइवेट सेक्टरों में काम करता है और वहां पूंजीपति लोग उसका शोषण करने का काम करते हैं, अपना श्रम बेचने जाता है। आज तमाम जितने आप देख लीजिए कि दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में और प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग काम करने जाते हैं उनका लंबा शोषण होता है। उनके श्रम की कीमत से लाखों रुपए जब कमाने वाले लोग उनको 10,000 रुपए देते हैं, अब उसके बावजूद भी अगर वो 10 मिनट फैक्ट्री में लेट अगर पहुंचा तो उसको कह दिया जाता है कि कल से मत आना, और या तो पूरे दिन की उसकी जो है पूरे दिन की दिहाड़ी उसकी गायब कर दी जाती है और ख़त्म कर दी जाती है। क्योंकि आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, इतनी लाचारी है, इतनी बेबसी है कि इसको लोग दिखाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, हमारे देश के सरकार निठल्ले लोग हैं जो किसानों को कामचोर कहने का काम करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि कभी खेत में जाके देखो कि खेत की स्थिति क्या होती है और खेत में काम कैसे होता है। लेकिन तुम जिस तरीके से किसानों का अपमान कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों को यह भी पता नहीं है कि ये जो अन्न पैदा होने वाला चीज है, जो खेतों में गेहूं है, धान है, इसके पेड़ कैसे होते हैं, वो पेड़ तक नहीं देख पाते हैं। अभी मैं दिल्ली में गया था, थोड़ी दिन पहले किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वहां एक पूंजीपति का लड़का घूम रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि भैया ये बताइए कि यहाँ ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे फसल की लागत नहीं मिलती। तो ये बताइए क्या इनकी जो फसल होती है, गेहूं और धान होता है, क्या यह बार बार लगाया जाता है क्या? हमने कहा क्या तुमने धान का पेड़ नहीं देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, हमने तो धान का पेड़ नहीं देखा है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो बगल में नीम का पेड़ खड़ा है, आम का पेड़ खड़ा है, तो इसी तरीके से इसका भी पेड़ होता होगा कि एक बार लग जाएगा, बार बार फटता रहेगा। तो आज यह स्थिति है, यह दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश के अंदर और हमारे देश का नौजवान को यह पता नहीं है कि यह जो गेहूं का पेड़ में और आम के पेड़ में अंतर कितना होता है, धान के पेड़ में और नीम के पेड़ में अंतर क्या होता है। आने वाली जनरेशन को तो यह भी पता होगा कि जब ये पैकेट में आने वाला चावल और पैकेट में आने वाली दाल, उनको ये लगेगा कि ये टॉफी की तरह फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री में बन के आता है किसान और अन्नदाता क्या होता है। आज हमारे देश का अन्नदाता फसल पैदा करने के लिए अपना पसीना बहाता है, लेकिन बरसात में जब घनघोर बादल छाते हैं, अब बादल की टकराहट होती है, बिजली जब गिरती है तो इस देश के अंदर हजारों किसान उस बिजली के चपेट में मारे जाते हैं। और पिछले 10 सालों का आंकड़ा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि 1,71,910 किसानों ने आत्महत्या किया है। लेकिन आप बताइए कि क्या पूंजीपति भी, एक भी पूंजीपति का नाम बताइए जिसने आत्महत्या किया हो। अगर पूंजीपति आत्महत्या किया होगा तो आत्मकलह से किया होगा, अपने बच्चों और अपनी बीबी के प्रताड़ित होने का शिकार हुआ होगा। लेकिन हमारे देश का जो किसान है इन पूंजीपतियों के प्रताड़ित होने का शिकार हो रहा है और सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। हमारे देश की अन्नदाता की क्या हालत है, हमारे देश की मीडिया भी उस पर कभी चर्चा नहीं करती। मैं लगातार देख रहा हूं कि कभी उस पर चर्चा नहीं करती। आज किसान चैनल भी चलाया गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन उस किसान चैनल पे क्या दिखाया जाता है कि दक्षिणी भारत में जाएंगे ये लोग और एक महिला को पैसा देंगे और उससे यह कहलवाने का काम करेंगे कि हमारी आय तो 5 साल में दुगुनी हो गई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसानों से गिरी हुई हालत, किसानों से माली हालत किसी की नहीं है। इसका यह जो है एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसका एविडेंस है कि अगर हमारे देश के अंदर लाखों किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसान परेशान है, किसान बेहाल है। आज किसान से अच्छा एक छोटा सा दुकानदार की स्थिति है, लेकिन अगर यही स्थिति हमारे देश की रही तो आने वाले समय में न किसान बचेगा न खेती बचेगी, तो लोग खाएंगे क्या,
लोग सिगरेट पी के जिंदा नहीं रह लेंगे, शराब पी के जिंदा नहीं रह लेंगे, एसी में बैठ के जिंदा नहीं रह लेंगे, फाइव स्टार में बैठ के जिंदा नहीं रह लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जिंदा नहीं रह लेंगे। जब हमारे देश का किसान सुरक्षित होगा तभी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। और हमारे देश के अंदर जो किसान है, जो खेती है, यह प्रकृति द्वारा विरासत में मिली है। आपने सुना होगा एक देश फिजी है, फिजी के अंदर इंग्लैंड से अंग्रेज जो आया करते थे, वह यहाँ भारत से किसान ले गए थे वहाँ गन्ना पैदा करने के लिए, और वहाँ का भारतीय प्रधानमंत्री बने थे महेंद्र सिंह। आप लोग इतिहास खोल के पढ़िएगा। श्रीलंका के अंदर आज जो वहाँ एक आपको बताया गया होगा LTT आतंकी और उग्रवादी एक संगठन था। LTT क्या है? LTT भारतीय किसान थे, उनको श्रीलंका आज से जो है 200 साल पहले ले जाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका ले जाया गया था। उनको मजदूरी कराई जाती थी, मजदूरी करने का काम करते थे, खेती करने का काम करते थे, लेकिन जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो इनको वहाँ नागरिकता नहीं दिया, उनको वहाँ तो नागरिकता मिली नहीं और भारत में भी नागरिकता नहीं मिली। वो अपने हक और अधिकार के लिए अगर लड़े तो उनको आतंकी घोषित कर दिया गया, और उनका किस तरीके से दमन किया गया यह किसी से छुपा नहीं है। तो आखिर दमन होता है तो केवल किसानों का ही दमन क्यों होता है? क्योंकि किसान रहम दिल है। आज देश के अंदर जितने भी कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, या मैं नहीं कहता हूं, यही तमाम लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, लेकिन इन 84 लाख योनियां अगर जिंदा हैं तो केवल किसानों के बदौलत जिंदा हैं। लेकिन आज किसान की बात न सरकार करती है, न मीडिया करती है, अगर ये बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, 3 तलाक और लव जिहाद की बात करते हैं, गाय और गोबर की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाने का काम करते हैं, और कहते हैं हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जहां मंदिर बनता है वहां भीख मांगने वाला कौन होता है? ये आपका भगवान होता है, आपका अन्नदाता होता है, आपका किसान होता है, जो अपनी परिस्थितियों खराब होने के कारण मंदिरों के बाहर भीख मांगते हुए मिल जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चौकीदारी करते हुए मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में झाड़ू और पोछा करते हुए मिल जाएगा। यह है असली हमारे देश का किसान, और हमारे देश के किसानों की यह है हालत। लेकिन हमारे देश की सरकारें किसानों के मुद्दे पर, किसानों के विकास के नाम पर कभी सरकारें इन्होंने नहीं बनाया है। यह तो किसानों की याद इनको तब आती है जब चुनाव नजदीक आता है, जब ये नुक्कड़ सभाएं करते हैं तब कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी मजदूर के बेटे हैं। लेकिन कमेंट में तमाम अंधभक्त आ गए हैं। उन अंधभक्तों को मैं यह कहता हूं कि तुम्हारा बाबा शीर जो है ना, ये बाबा शीर की बीमारी है। तुम जिस सरकार के कि बहवाही कर रहे हो 200 रुपए में लेकर के IT सेल पे आके हक और अधिकार मांगने वालों को जो गाली देने का काम कर रहे हो, यह तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें निठल्ला या कामचोर बना के रख देगी। आने वाले समय में जब सोशल मीडिया से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुम भी वही राम मंदिर के बगल में जाकर के भीख मांगने का काम करोगे। आज मैं देख रहा हूं कि गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे लोगों की मूव लिंचिंग की जा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि हमारे देश का जो मुसलमान है वह देशद्रोही है। अरे निठल्लों, जरा याद कर लो वह दिन जब तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस गुलामी की जंजीरों से मुक्ति देने के लिए इन मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया था, सिखों ने भी अपना खून बहाया था। याद करो, आसफुल्ला खां को याद करो। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ याद करना है तो तुम 1972 के युद्ध को याद कर लो, 1965 के युद्ध को याद कर लो, जिसमें भारत का प्रथम मुसलमान सैनिक वीर अब्दुल हमीद को याद करो, जिसने अजय टैंक पाकिस्तान का तोड़ करके और भारत के अंदर प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति। इतिहास यह गौरव है हमारे देश के लिए अब्दुल हमीद जैसे लोग। अबुल कलाम आजाद को याद कर लो, जब तुम्हारे देश के अंदर मिसाइलें नहीं बना करती थी, हथियार नहीं बना करते थे, तो वह आदमी इस देश को बड़ी बड़ी मिसाइल देने का काम किया, जिसे कि कहा जाता है मिसाइल मैन। लेकिन आज जिस तरीके से उन्मादी लोग गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मैं उनसे यह कहता हूं कि उनको गाय के बारे में कोई पता ही नहीं है। अरे गाय के बारे में पता तो गौपालक को होती है, जो देश का किसान है उसको पता होती है कि गायों की प्रजातियां कितनी होती है। इन गौरक्षकों से मैं पूछता हूं कि इनको यह भी पता है कि गायों की प्रजाति
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गायों की जो प्रजातियाँ हैं वह अनंत हैं। सिंधी है, गंगातीरी है, खैरागढ़ी है, हालिस्टियन है, फिजिशियन है, तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं। लेकिन इन एक गौपालकों को पता होती है, गौरक्षकों को पता नहीं है। वो फर्जी गौरक्षक हैं जो हिंदू और मुस्लिम करके देश के जो है मुसलमानों में और देश के हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं और देश के विकास में बाधक। अगर देश में विकास के बाधक हैं तो ये फर्जी गौरक्षक देश के विकास में बाधक हैं। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 10 ग्रुप में जरूर शेयर करें और इस पेज को भी जरूर लाइक करें, क्योंकि आए दिन हमें आप लोगों को किसानों, मजदूरों, दलित, वंचित, शोषित वर्ग की आवाज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर पहुंचाता रहूंगा। और ये मीडिया के लोग जो दल्ले हैं, ये दलाली करते रहेंगे, ये कभी गांव, गरीब, किसान की पीड़ा को दिखाने का काम नहीं करेंगे और न तो उस पर बहस कराने का काम करेंगे। उनको केवल आज उन्मादित चीजों का ये विश्लेषण करवाते हैं, उन्मादित चीजों पे डिबेट कराते हैं, कभी हलाला पर, कभी तीन तलाक पर। आखिर तुम चाहते क्या हो? आज जो लोग हमें हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जितने भी ये हिंदू संगठन के बड़े बड़े लोग हैं, इनके आप इतिहास खंगालिए कि इनके दामाद कौन है। केवल इसी पे चले जाइए कि इनके दामाद कौन है, इनके रिश्तेदार कौन है। अगर देखेंगे तो इनके सारे के सारे दामाद मुसलमान बैठे हैं। और जो अंधभक्त आके गालियां देने का काम करते हैं, इनके जीजा और फूफा सारे के सारे मुसलमान बैठे हैं। लेकिन केवल वोट लेने के लिए किसान और मजदूर को वास्तविक मुद्दे से भटकाते हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।